सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7H के बारे में। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इस बारे में, उसके बाद मैंने भी कुछ रिसर्च किया, उसके बाद मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। अभी ये कुछ कन्फर्म नहीं है, बताया जा रहा है कि 2018 में ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है, अभी बस कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों का इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या देखने को मिल सकता है इस J7H में। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अभी ये बस लीक निकल के सामने आ रही है, बहुत पहले लीक निकल के सामने है, अभी की यह बात नहीं है। लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे तो मैंने सोचा कि एक डेडिकेट वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करूँ अगर डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलेगा 5.7 इंच का फुल HD सुपर एमोलेड स्क्रीन, जो कि कर्व डिस्प्ले होने वाला, जिस तरह से आपको सैमसंग गैलेक्सी S7 Edge में देखने को मिलता है या फिर नोट S8 में देखने को मिलता है उस टाइप से। 4 GB का रैम मिलेगा, 32 GB की इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी, 16 MP इसमें आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा और 13 MP इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। 3300 mAh की बैटरी दी जाएगी। मैं बता दूं कि अभी ये सब कंफर्म नहीं है, ये बस अभी लीक जो निकल के सामने आ रही है मैं उसी के बेस में आप लोगों को बता रहा हूँ। लीक भी बहुत पहले आई थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है S7H का फोटो, तो इस टाइप से कुछ आपको वो फ़ोन देखने को मिल सकता है। 3300 mAh की बैटरी मिलेगी और अगर मैं बात करूँ तो एंड्रॉयड का 7.1.1 एंड्रॉयड नुगट दिया जाएगा। बता जा रहा है कि ये फ़ोन 2017 में ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश ये 2017 में लॉन्च नहीं हो पाया, तो शायद आप फ्यूचर में 2018 में सोच सकते हैं कि 2018 में ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है सैमसंग की तरफ से। अगर मैं इस फ़ोन की प्राइस की बात करूँ तो इस फ़ोन की प्राइस लगभग 20 से 25 हज़ार रुपीज़ हो सकती है। अभी तो मैं कंफर्म प्राइस इस फ़ोन का बोल नहीं सकता हूँ कि कंफर्म नहीं कि किस प्राइस पॉइंट में इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा। अगर इस फ़ोन को सैमसंग लॉन्च करते तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपको सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन में भी सैमसंग की तरफ से एच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपको कर्व डिस्प्ले होता है उस टाइप का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा होगा ये सैमसंग की तरफ से। देखते हैं अभी टाइम है, ये लॉन्च करेगा भी नहीं करेगा, बस कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। मैंने दो सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ जाके भी एक बार ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इन लोगों का अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं डाल दूंगा वो लिंक। देखते हैं सैमसंग क्या करता है, मुझे तो लगता है लॉन्च करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो भी अच्छा है। लॉन्च करना चाहिए, एटलीस्ट मिड रेंज फ़ोन में भी आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिले सैमसंग की तरफ से। अभी सिर्फ ये आपको फ्लैगशिप डिवाइसेज में भी देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी पहुंच जाए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली इसी तरह से टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर किसी के चेहरे पर स्माइल ला सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।